बेटा, ओ आलू बेटा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, हीरोइन का फोटो देख रहा हूँ। अरे बेटा, बड़े बड़े एक्ट्रेस का फोटो देखने लगा है। लगता है तुम्हें अब शादी करानी पड़ेगी। हाँ मम्मी, कब कलाओगी मेरी शादी? अरे बेटा, मेरा तो बहुत मन है तुम्हें शादी करवाने का, मगर दुख इस बात का है कि तू हकला कर बोलता है, इसलिए तुमसे कौन लड़की करेगा शादी? अले माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं पलोच वाली आंटी भूमि की लड़की लहसुन से बहुत प्यार करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा लड़का तो मेरे सोच से 7 कदम आगे निकला। अरे बेटा, जरा ये बता कि वो लड़की भी तुझसे प्यार करती है? हाँ मम्मी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, और हम लोग चोली चोली लोज चुपके से गेहूं के खेत में मिलते हैं। बस बेटा, आज से तुम्हें चोरी छुपके मिलना बंद। एक बार तो मुझे लहसुन से बात करवा दे, मैं उसके घर वालों से तुम्हारे लिए रिश्ता का बात करता हूँ और तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। लागू आंटी जी, अरे जीती रहो लहसुन बेटा, क्या तुम भी मेरे बेटे से प्यार करते हो? मैं और आपके बेटे लैला मजनू की तरह प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी ही करना चाहते हैं। तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करके मैं तुम्हारे शादी को पक्की करवाती हूँ। अले माँ, हमें जल्दी शादी करा दो, मैं आपको 6 महीने में एक बच्चा दे देंगे। अरे कलमुए, थोड़ा सबर कर, इतनी भी जल्दी क्या हो रही है? अले माँ, मुझे अब लाचुन के बिना एक पल भी लहा नहीं जाता। ठीक है, आने वाला 10 मार्च को हम तुम दोनों को शादी करा देते हैं, मगर एक बात याद रखना, हम लोग गरीब हैं, इसीलिए दो ही बच्चा पैदा करना। अरे कैसी बात कहती हैं आंटी जी आप, हम लोगों ने सोच रखा है कि क्रिकेट टीम जितनी बच्चे पैदा करना है, ताकि कभी झगड़ा लड़ाई हो तो कभी हम लोग को डांटना अरे नहीं नहीं लहसुन, हम एक दो नहीं पूरे 99 बच्चे पैदा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाल कलर में सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा, और लाइक तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।